अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने डे टाइम में अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेयर करना है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली लेयर नहीं करेंगे तो इसकी वजह से हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट से आप जो बेनिफिट चाह रहे हो वो आपको ना मिल रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपकी स्किन में जो भी इश्यूज हैं, हो सकता है कि आपकी स्किन में कोई डार्क स्पॉट्स का इशू हो, या फिर आपकी स्किन में ओपन पोर्स का इशू हो या रिंकल्स का इशू हो, उसके मुताबिक आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसका असर आपकी स्किन पे नहीं होगा। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस तरह से आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह से आपकी प्रोडक्ट भी आपकी स्किन को वो बेनिफिट्स नहीं देगी। तो आइए हम चलते हैं अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो सबसे पहले आपने इस्तेमाल करना होता है क्लेंजर। आपने कोई सा भी जेंटल क्लेंजर इस्तेमाल करना होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड क्लेंजर इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपकी स्किन ड्राई है आप कोई भी ऐसा क्लेंजर अप्लाई कीजिए जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करे। आपने अपनी स्किन के मुताबिक क्लेंजर को चूज करना है, क्योंकि क्लेंजर आपके फेस को क्लेंज करता है। अगर आपके फेस पे कोई इम्प्योरिटीज हैं तो वो आपकी स्किन से इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है और आपके फेस को फ्रेश करता है। नेक्स्ट आप अप्लाई करेंगे सीरम। सीरम आप अकॉर्डिंगली आपकी स्किन में जो भी इश्यूज हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन का इश्यू है और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन साथ साथ ब्राइट भी हो, तो आप विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपकी स्किन में ओपन पोर्स का इशू है तो आप नायासिनमाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सिर्फ और सिर्फ ब्राइटन हो और फ्रेश नजर आए, तो आप अल्फा आर्बुटिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करती हूँ। ये गार्नियर का विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा है। इसने मेरे डार्क स्पॉट्स को भी लाइट कर दिया है और साथ ही मेरे कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर कर दिया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर। आपने मॉइस्चराइजर को इस्तेमाल करना नहीं भूलना। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मौजूद है। ये भी आप ऑयली स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट जेल है। इसको भी आप ऑयली स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हाइड्रेशन के लिए आप ये दोनों मॉइस्चराइजर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक ये मेरे पास पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर मौजूद है और ये मेरे पास सिरावे मौजूद है। जिनकी स्किन ड्राई है वो कोशिश करें कि वो जो मॉइस्चराइजर लें उसके अंदर सिरामाइड्स मौजूद हों, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर देते हैं। तो ये आपकी अफोर्डेबिलिटी पे है। अगर आप सिरावे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सिरावे ले लें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पॉन्ड्स का ये वाला मॉइस्चराइजर भी ले सकते हैं। ये दोनों मॉइस्चराइजर अच्छे हैं। नेक्स्ट आपने अप्लाई करना है सनस्क्रीन। मेरे पास ये दोनों सनस्क्रीन मौजूद हैं। एक जेनफर्म का है और एक सोलैरिस का है। इन दोनों में वाइट कास्ट नहीं है। ये आपके ऊपर है अगर आप वाइट कास्ट वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मुझे वाइट कास्ट वाले सनस्क्रीन ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मेरे पास ये दोनों सनस्क्रीन जो मौजूद हैं, इन दोनों सनस्क्रीन में वाइट कास्ट इनको लगाने से नहीं होती। आपने सनस्क्रीन को लगाना नहीं भूलना और कोशिश करना है कि आपके पास जो भी सनस्क्रीन हो वो SPF 30 से अबव हो, तो ही वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आपने अपनी नेक और अपने हैंड्स को भी नहीं भूलना, आपने उनके ऊपर भी सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपने बाहर जाने से 15 या 20 मिनट्स पहले सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। और फिर आप अगर धूप में ही हैं, 2 से 3 घंटे के बाद आपने फिर से सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। और सनस्क्रीन में आपके पास 2 किस्म के सनस्क्रीन होते हैं। एक मिनरल सनस्क्रीन होता है, एक केमिकल सनस्क्रीन होता है। ये आपकी मर्जी है, आप मिनरल सनस्क्रीन यूज कीजिए या फिर आप केमिकल सनस्क्रीन इस्तेमाल कीजिए। हमारी डे रूटीन का लास्ट स्टेप ये है कि आपने अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना है। तो ये मेरे पास क्रेजी लिप्स की लिप बाम मौजूद है। आपको मैं इसका शेड चेक करवाती हूँ। ये इस तरह से पिंक इसका शेड है और ये बहुत प्यारी लगती है जब आप अपने लिप्स पे अप्लाई करते हैं। हल्का सा टेंट आ जाता है आपके लिप्स पे और आपके लिप्स भी बहुत ज्यादा फ्रेश लगते हैं। मुझे डे टाइम में रोजी पिंक लिप्स अच्छे लगते हैं, तो मैं ये वाली बाम अप्लाई करती हूँ। ये आपको दराज से मिल जाएगी। ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। मेरा ख्याल है ये 200 की थी जब मैंने ली थी, तो आप ये दराज से जाके भी बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ये वाली लिप बाम नहीं है, अगर आप कोई और अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास लिप बाम नहीं है तो आप वैसलीन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और आपने अपनी डे केयर रूटीन में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को ऐड किया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।